हरदम चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आलिशान का ग्लास टाइपून हुक्का है, बहुत बेहतरीन हुक्का है ये। तो चलिए गाइस इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और इसमें बाकी के और भी कलर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे आइटम कलर ये वगैरह वगैरह लिख रखा है इन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ। और इसमें आता है रेड कलर, येलो आता है, ब्लू आता है, ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, पिंक आता है, और आपका आता है ग्रीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बगल मारूंगा आई कार्ड ऑप्शन, आप उसको क्लिक करके मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, उससे यार अगर आप लाइक करोगे तो यार मुझे मोटिवेशन होगी, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट लिख दिया करो यार नीचे कुछ कि भाई को थोड़ा मोटिवेशन होगी। तो चलिए गाइस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, अब तो सबसे पहले गाइस हमें देखने को मिल जाता है इसकी मिट्टी की चिलम। तो चिलम आप देख ही सकते हैं, मिट्टी की चिलम, मैं मिट्टी की चिलम इस्तेमाल नहीं करने का, मैं कर रहा हूँ सिलिकॉन वाली चिलम। और फिर हमें देखने को मिल जाता है इसका पाइप, ये पाइप आप देख ही सकते हैं सिलिकॉन अच्छी क्वालिटी है और 1.5 मीटर का पाइप है, और ये लगा के हो जाता है 2 मीटर का। इसका आगे का हैंडल है, बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा स्टील लगा हुआ और अच्छी ग्रिपिंग दे रखी है, आगे ऊपर यहाँ से भी दे रखी है ग्रिपिंग, यहाँ से भी दे रखी है ग्रिपिंग। तो आप ये देख ही सकते हैं यहाँ पे है चूड़ी, ये चूड़ी से भी मैं कसा है, तो पाइप देखिए कितना बेहतरीन और लंबा पाइप है, और ये आगे का हैंडल हो गया। तो चलिए और अब हमें मिलती है इसकी टोंग, टोंग आप देख ही सकते हैं बड़ी टोंग है, अच्छी टोंग है, और अब हमें मिल जाती है इसकी एस्ट्रे। तो गाइस आप देख ही सकते हैं इसकी एस्ट्रे है, 5 की एस्ट्रे है, तो यार बहुत मतलब संभाल के रखनी पड़ेगी और हीटिंग से बचानी पड़ेगी, अगर इसे चारकोल होल्डर भी कहते हैं, अगर आपने इसके ऊपर कोयला रखा है चटक भी सकते हैं, तो कोयला मत रखना, जिसके पास हुक्का है कांच का, जिसके पास भी कांच की एज पे हो वो कोयला ना रखे वरना चटक जाएगी। और अब देखने को मिलता है इसकी स्टैम्प, स्टैम्प बहुत ही हैवी है, बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो यह हमारी हो गई बेस हेड, और यह हो गया हमारा एयर प्लग, एयर प्लग देखिए कितना चौड़ा है, और ये हो गया हमारा होस कनेक्टर, और ये नीचे आ रही है फिल्टर पाइप। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया लुक दे रखा है टाइफून जैसा। तो अब हमें देखने को मिल जाती है इसकी चिलम वाली रबड़, और अब हमें दिख जाती है इसकी बेस, बेस आप लोग देख ही सकते हैं जैसे माया का पेंडेंट वाला हुक्का है वैसी बेस है, ये कांच की है और हैवी बेस है, अच्छी बेस है, और ये क्या नाम है बेस वाली रबड़ हो गई। तो चलिए गाइस अब चलाते हैं इसे। तो चलिए गाइस सबसे पहले इसमें मैं भरता हूँ वाटर, तो गाइस पानी भर लिया, अब लगाते हैं इसकी स्टैम्प, और इसे जो फर्शी होती है इसे फर्शी कहते हैं, बेस कहते हैं, और कहते हैं वाटर कंटेनर। ये आज हो गया हमारा अलशान का लोगो, और ये हो गया हमारा फिट, पानी भी फिट फाटा गया है। तो अब लगाते हैं इसकी एस्ट्रे, एस्ट्रे बहुत ही नाजुक है यार कांच की, और कांच हल्की क्वालिटी वाला नहीं है, कांच अच्छी क्वालिटी का है कि जल्दी नहीं टूटेगा। और ये जो हमारी एस्ट्रे है ये रबड़ से रुकेगी, एक जगह जैसे ऐसे ऐसे लिखती है तो ये रबड़ से रुकेगी। तो अब लगाते हैं चिलम इसकी, और ये हो गई हमारी बैक वाली नोजल। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हमारा हुक्का कितना बेहतरीन है, एक बार मैं पास में ले आता हूँ, ये देखिए आप, तो चलिए गाइस अब फिल करते हैं हम अपना फ्लेवर, फ्लेवर में इस्तेमाल कर रहा हूँ हबल पफ का मांबा जाम्बा। तो यार हबल पफ किसी को हार्ड भी लगता है यार, हबल पफ में जो लाइट वाले फ्लेवर होते हैं, एक तो हस्ता का बिस्ता है कैंडी वाला फ्लेवर, और मांबा जाम्बा भी लाइट है, और एक हस्टल बस्टल वो भी बहुत लाइट है, वरना आपका दुबई स्पेशल हो गया और अमेरिकन फ्रीजर हो गया, ये बहुत मतलब हार्ड है। तो चलिए गाइस अब फिल करते हैं, तो चिलम में इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी वाली सिलिकॉन चिलम, तो इसे हटा लेते हैं अभी। तो गाइस फ्लेवर कर लिया है मैंने सेट, तो अब लगाते हैं इसको ऊपर क्लाउड।
तो गए जब देखे तो कहना कितना तगड़ा फ्लो निकल रहा है। और यार इसका एक पाइप भी मुझे बहुत पसंद आया है, मॉन्स्टर पाइप है। तो यार अब इसके कर लेते हैं प्राइस की बात, इसकी कॉस्ट कितनी है। अगर मैं आपको बताऊं यार इसका पाइप भी बहुत बेहतरीन है, सब अच्छा है, आपके लिए बहुत बढ़िया है ये अगर आप लेंगे तो। तो इसकी कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपये। ये आपको अलजान ओरिजिनल से ले लीजिए दिल्ली से, या अगर आप मुझसे लोगे तो इंस्टाग्राम पे जाइए, आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। इतना लेते हैं थोड़ा ओके का मजा। सबसे भारी जो चीज है इस हुक्के की, यह है बीच की स्टैम। बीच की स्टैम इतनी हैवी है बस मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं जब वीडियो बनाने आ रहा था तो यार मैंने इसको, इस हुक्के को मैंने अभी तोला था तो ये निकला था 2 किलो का हुक्का है ये पूरा पूरा बिना पानी से टाइम होता वह थी, ये 2 किलो का हुक्का है और पाइप का वजन लगा लीजिए 200 ग्राम होगा। तो यार हमारा हुक्का बहुत ही हैवी है, तो जो हुक्के के लवर है वो एक बार इस हुक्के को लेके जरूर देखिए। इसका नाम है ग्लास टाइफून अलजान का है। तो गाइस बहुत सी वीडियो में मैं ये छोटा लिंक निकालता हूँ तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे निकालते हो, तो भाई कुछ भी नहीं है, बस आपको मुंह थोड़ा छोटा करना है बिल्कुल सर्कल ऐसे, और हल्का हल्का पुश करना है, अलग से तो हल्का हल्का बिल्कुल नॉर्मल पुश करना है और ऐसे फिंगर चलाना है और आपके भी रिंग्स निकल जाएंगे। पहले ट्राई करिए, 1-2 रिंग्स निकलेंगे, फिर थोड़े थोड़े कर करके ऐसे। पहले मुझे भी ऐसे नहीं आते थे, मैं भी ऐसे करता था, एक दो निकलते थे। तो अभी तक ये YouTube पे किसी ने ये वाला हुक्का दिखाया नहीं था, तो ये हुक्का आप देख लीजिए मिस्टर धमची के चैनल पे। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो यार लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, आपका भाई ऐसी इतना अच्छे अच्छे हुक्के दिखाता रहेगा, कंपनी के ओरिजिनल भी लोकल भी दिखाता हूँ और फ्लेवर बनाना भी सिखाता हूँ, ई सिगरेट का भी फ्लेवर सिखाता हूँ वेप का। तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए यार, उससे मोटिवेशन होती है भाई को। इसका फ्लो देख ही सकते हैं सुखे का। और बहुत से लोग यार इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मिट्टी की चिलम जो इसके साथ आती है वो अच्छी नहीं होती है, क्लाउड अच्छा रहता है सिलिकन की चिलम। तो यार अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यार, चिलम सिलिकन चिलम अपनी जगह पर अच्छा है और ये जो मिट्टी की चिलम है ये अपनी जगह पर अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी की चिलम जो होती है ये भी बहुत अच्छा स्मूथ देती है, बस इसमें एक कमी रहती है, बहुत ही गर्म हो जाती है। और गाइस यार कमेंट जरूर कर दे के लिए, एक कमेंट प्यार का डाल दिया के लिए, उससे यार मोटिवेशन होगी आपका भाई और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहेगा। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही, तो आपका भाई मिस्टर धमजी चलता है। और ये बताना आप कमेंट में क्या नाम है ग्लास टाइफून, आपको उसका कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ पूछना हो मैं आपको सब बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।